नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुशील अपने YouTube चैनल रिसर्च टेक 2M पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल छठी मैया का कल त्यौहार है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और हमारे यूपी और बिहार क्या पूरे देश में क्या विदेशों में भी इसकी बहुत धूम है और बहुत ही हम धूमधाम से मनाते हैं। इस त्यौहार का हमारी सनातन संस्कृति में एक अलग ही महत्व है, जिसमें हमारी माताएं अपने पुत्रों के लिए इस व्रत को करती हैं और 36 घंटे तक बिना पानी के इस व्रत का पालन करती हैं। तो ये व्रत हमारे लिए कितना खास है कि हम इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं और हम इसको शब्दों में नहीं पूरा बता सकते हैं। बस मैं इतना ये कहूँगा कि सारे देशवासियों को और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मैं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि छठी मैया उनके लिए आगे जो भी है उन्नति के द्वार खोले, उनकी मनोकामना को पूर्ण करें और उनको आगे ले जाएं। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर मैं शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन कल इतना बड़ा पर्व है हम सब के लिए, हम सब भारतवासी के लिए, कि हम इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये मेरा पहले फ़र्ज बनता है कि मैं आप सबको पहले मैं धन्यवाद दूँ, अपने लोगों को मैं पहले धन्यवाद दूं, क्योंकि मुझे मालूम है कल आप सब बहुत बिजी होंगे, खासकर घाट पे जाना होगा, उसकी तैयारी है वगैरह वगैरह, तो आपके पास टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले वीडियो बना के आप सभी को शुभकामनाएं दे दूं, एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी छठ पर्व की शुभकामनाएं। और मैं एक अपील भी करना चाहूँगा कि कल छठ पर्व पर ज़्यादा भीड़ रहेगी आपके आसपास के घाटों पर, तो जो भी हमारी माताएँ और बहनें छठ पूजा में जा रही हैं या जो भी भैया लोग जा रहे हैं छठ पे, तो वो विशेषकर ध्यान देंगे अपने घर के लोगों को, खास करके छोटे बच्चों को, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है। छोटे बच्चों पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे गुम हो जाते हैं या फिर उनके साथ कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, अपने से छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और घाट के आसपास भी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो जो भी हमारी माताएँ बहनें आभूषण वगैरह पहन के जा रही हैं, मैं उनको रोक नहीं रहा हूँ कि आप मत पहन के जाइए, लेकिन विशेषकर वो ध्यान देंगी, क्योंकि भीड़ के चलते, भीड़ जब ज़्यादा रहती है तो इसमें कुछ जो अवांछित लोग हैं हमारे समाज में, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो हमारे भीड़ में आते हैं और ये आभूषण वगैरह ये चोरी कर लेते हैं, हमारे सामान चोरी कर लेते हैं, तो उनसे भी हमें सजग रहना है, इन सब का भी ध्यान रखना है। दीपक जलाते समय भी हमें सजग रहना है और घाट के ज़्यादा किनारे नहीं जाना है जहाँ पे पानी वगैरह है, और छोटे बच्चों को तो विशेषकर हाथ पकड़ के अपने पास रखना है, उनको इधर उधर भीड़ में नहीं जाने देना है कि पापा मुझे बम जलाना है या मुझे फुलझड़ी जलानी है या मुझे यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, ऐसा कुछ नहीं करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने सोचा कि आप सबको मैं बता भी दूंगा, एक बार आप सबके माइंड मेकअप भी हो जाएगा और मैं आपको शुभकामनाएँ भी दे दूंगा। तो यही सब के साथ मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूँ और आप सबको एक बार फिर से मेरे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएँ छठ पर्व की। छठी मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करे और आप सबको उन्नति के रास्ते पर ले जाए और आप जो भी जीवन में मांगें वो सब पूरा हो जाए। जय छठी मैया।